अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और तीसरी बार जेम्स में ला रहा हूं, तीसरा साल है तीसरी बार जेम्स में ला रहा हूं। और सबसे बड़ी इत्तफाक की बात है कि पहली बार जब लाया था तो 25 अगस्त 2020 ही था, और आज भी 25 अगस्त 2022 है और ऐसे ही ये स्टॉक आया है। तो लगता है कि कोई टाइम वाली थी, उसमें भी चल रही है टाइम एनालिसिस भी, और इस समय शायद ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म करता है। तो उस टाइम पे मैंने 8.5 सितंबर को किया था, तो 1620 का टारगेट 1720 का लेवल था और 1730 का टारगेट, और अब 1784 मतलब 1800 के लेवल्स पे है ये स्टॉक, और अभी भी बहुत सस्ता है ये स्टॉक। सबसे बढ़िया बात पिछले 4-5 सालों में, पहले अगर आप देखते हैं प्री कोरोना तो 50-60 करोड़ रुपए कमाती थी सालाना, और पोस्ट कोरोना 2 साल से मतलब गजब की कमाई कर रही है, और पिछले 6-7 क्वार्टर गजब के गए हैं। 180-190 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे, 183 करोड़ का पैट कंपनी का, और 1000 करोड़ की कंपनी, और गजब की पेडिग्री वाली कंपनी। मैं कंपनी की वेबसाइट देख रहा था तो आई रियली गॉट इम्प्रेस्ड कि आप ऐसे लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी देखिए 1994 में लिस्टेड हुई थी, 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, इनफैक्ट कोयम्बटूर डिंडीगुल और ये सब जगह पे। और यूनिक डिस्टिंक्शन इस कंपनी का ये है कि ये लोग शर्टिंग सेगमेंट में वर्ल्ड में टॉप मैन्युफैक्चरर जो है वो लोग इनका कॉटन को प्रेफर करते हैं, और कंपनी लिखती है कि वी ऑल्सो टेक प्राइड इन आवर जीरो कंप्लेंट्स विद द क्लाइंट्स। ये बड़ी बात होती है लिखना। और इवन एक और चीज, इनके विंड पावर भी है और वो भी कैपेसिटीज बना रखे हैं, और लिखते हैं कि वी हैव 100% गवर्नमेंटल एंड लीगल कंप्लायंस रिकॉर्ड। तो इस तरीके की कंप्लायंस के ऊपर फोकस करने वाली कंपनी, और रीजन भी है। तो ये एक टाइम पे शेयर होल्डिंग लिस्ट में अगर आप देखें तो कैटामरान एडवाइजर्स जो कि नारायण मूर्ति जी की एक इन्वेस्टिंग आर्म थी, वो भी इसमें इन्वेस्टेड थी। हालांकि अभी नहीं उनकी शेयर होल्डिंग, बट यस इस तरीके की पुरानी भी शेयर होल्डिंग होती है, तो ये समझ में आता है कि पेडिग्री कैसी है। गजब का प्रोमोटर बैकग्राउंड है, और 5-5.5 के पी मल्टीपल पे हिस्टोरिकली मुझे लगता है कि इतनी सस्ती कंपनी में सारे अगर जेम्स में भी देखूं तो एकदम रूल बुक थ्योरेटिकल एक मल्टीबैगर स्टॉक है ये, और 5-5.5 का स्टॉक का पी मल्टीपल है, 2% डिविडेंड यील्ड देती है, 38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और सिर्फ 1.4 times के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रहा है, 41%, और एक जीरो डेट कंपनी। तो इस तरीके का फंडामेंटल है। ओपीएम्स 28% के ओपीएम पे काम कर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% के लगभग। तो मुझे लगता है ये हर पैरामीटर पे ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है कंपनी। और आप देखिए जून का क्वार्टर भी 36 करोड़ का पैट था, उसके सामने 39 करोड़ का जून 2022 में पैट है। छोटी इक्विटी 6 करोड़ की खाली इक्विटी है, अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास, और शेयर होल्डिंग पैटर्न और सब देखते हैं तो 4.25% करीब FIIs दिया है इसके पास है, बाकी प्रोमोटर्स के पास है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में मैंने जैसा एक नाम बताया वैसे मार्की इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड रहे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इस बार भी लीजिए, और इस बार ये पहली बार नहीं 2830 का लेवल से पहले दिखाया हुआ, उसके सामने अच्छा करेक्ट हुआ है, क्योंकि कॉटन सेगमेंट में कॉटन की प्राइसेस और ये सब में काफी वो हो रहे थे। अब मुझे लगता है कि सब कुछ प्राइस इन है, ऑलरेडी ये लो बना चुका अपना, मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे लीजिए 2050-2090 के टारगेट्स के लिए। 2090 के टारगेट के इतनी खूबसूरत कंपनी जो आपको लग रही है उसके पीछे एक कारण और भी है, SIP स्टॉक भी रहा हुआ है हमारा है? और मेरे ख्याल से SIP स्टॉक 1000 रुपए से नीचे की रेंज में रहा था जहां तक मुझे ख्याल है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमें ये 982 ना बिल्कुल मुझे याद है, लगभग दुगुना हो गया ये। यस सर,